ये वो वाकया दर्शाया गया है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम जब निकले थे तो जब लाठी मारी थी तो आप देखोगे जो समुद्र है उसके बीच में से रास्ता निकल गया था। तो ये आर्टिफिशियल बनाया गया है, इसके अंदर भी मैं चल के दिखाऊंगा आपको। ये देखिए दो हिस्सों में बीच में रास्ता निकल गया। और ये आपको रियल लग रही होगी कैब, बट ये जो है मिरेकल कैब है जो एक आर्टिफिशियल बनाई गई है। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में बताया गया है, चांद के दो टुकड़े हो गए थे। तो आप देख सकते हो ये है सोलर ट्री, आर्टिफिशियल पेड़, और बिल्कुल रियल लग रहा होगा आपको। आप कह सकते हो कि ये नकली है, पत्ते देखो बिल्कुल रियल, सब कुछ रियल लग रहा है। ये देखिए, और ये जो पूरी बिल्डिंग है ना टोटल ग्लास से बनी हुई है, इसलिए रोशनी उसने कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं यहाँ के सबसे ऊंचे वाले पोर्शन पर आ चुका हूँ। ये देखिए आर्टिफिशियल पेड़ और बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा रियल। ये देखो कैसे हो दोस्तों, एक नया दिन एक नया सफर। तो फाइनली मैं हूँ दुबई में, और दुबई में मेरा यह दूसरा ट्रिप है, और मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा ये मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि आपको पता है कि जब हम लास्ट टाइम आए थे तो उस समय गर्मी चल रही थी, तो यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें बंद थी, जैसे ग्लोबल विलेज बंद था, मिरेकल गार्डन बंद था, बट वो ओपन हो गया है। तो अभी आपको पता है परसों मैं टर्की से आया था, उसके बाद मैं यहाँ आ गया, यानी पहले इंडिया आया, इंडिया से मैं दुबई आ गया। तो आज जो हम जा रहे हैं ना घूमने के लिए वो है कुरानिक पार्क, यहाँ की सबसे फेमस जगह है और बहुत शानदार पार्क है। वहां पर क्या हुआ है एग्जैक्टली, जो कुरान में जिन वृक्षों का यानी दरख्त का पेड़ पौधों का जिक्र हुआ है वो एग्जैक्टली उसको दिखाया गया है, और बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं वहां पर। एक मिरेकल कैब भी है, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे, मजा आने वाला है। तो इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो भाई टाइम हो रहा है इस समय 11, क्योंकि आज मैं लेट हो गया था, और ये मेरा रूम है और काफी सस्ता पड़ गया। इस बार मैंने कोई पैकेज नहीं लिया है, यानी ट्रैवल पैकेज नहीं लिया, मैं खुद ही इसको एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो मेरा रूम है, इस पर मैं डेडिकेट ब्लॉग बनाऊंगा। तो नीचे से हमें टैक्सी करनी है और चलना है कुरानिक पार्क। तो अभी मैं बाहर आ गया हूँ टैक्सी करने के लिए। जब इंडिया में था तो काफ़ी ठंड थी, तो मैंने तो एक्सपेक्ट किया था गर्मी होगी, बट मैंने इतना ज़्यादा गर्मी एक्सपेक्ट नहीं की थी। टी शर्ट में भी जो है जैकेट काट रहे हैं, क्योंकि रूम में तो पता चलता नहीं है क्योंकि एसी वगैरह चलती रहती है। खैर अभी मैं मार्केट में आ चुका हूँ, यहाँ से मैं करता हूँ टैक्सी। तो भाई फाइनली हमें टैक्सी मिल गई है, और यहाँ से अभी हम चलने वाले हैं कुरानिक पार्क, जो कि है 19 किलोमीटर। चलो ब्रदर, ओके थैंक यू। तो भाई गाड़ी में हमारे जो भाई मिल गए, ये मिल गए नेपाल से, कैसे ब्रदर? ठीक है। तो लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। नेपाल तो बहुत खूबसूरत जगह है। तो आप यहीं जॉब करते हो? जी। वेरी वेरी गुड। कितने साल हो गए? अरे वेरी गुड वेरी गुड। दुबई में ना आपको लैंग्वेज की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि लगभग 70% तो यहाँ पर इंडिया के लोग हैं। तो अभी चल रहे हैं, सामने का व्यू दिखाता हूँ आपको, मजा आएगा। तो फाइनली दोस्तों मैं लोकेशन पर आ गया हूँ कुरानिक पार्क, और ये हमारी टैक्सी चली गई। और मैं अगर इसकी बात करूँ तो 50 दिरहम लिए, बहुत अच्छा रेट है, क्योंकि पर किलोमीटर का 2 दिरहम होता है, तो 19 किलोमीटर के 38 दिरहम तो वही हो गए, और स्टार्टिंग प्राइस भी होता है उनका, तो सही ले लिए। अभी हम अंदर जा रहे हैं, ये देख सकते हो ये है कुरानिक पार्क, और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, और उधर दो ये लिखा हुआ है कुरानिक पार्क। यहाँ पार्किंग लगी हुई है, और इसी से हम अंदर जा रहे हैं और देखते हैं इसका टिकट कितने रुपए का है। यहाँ से भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, चलो अंदर चलते हैं। तो भाई हम अंदर आ चुके हैं, और यहाँ से ये पार्क शुरू हो चुका है, और काफ़ी बड़ा पार्क है कुरानिक पार्क। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ इस पार्क के बारे में, कि इस पार्क का कोई टिकट नहीं है, लेकिन इस पार्क के अंदर 4 अट्रैक्शन हैं। एक है शीशा गिलास, जहाँ पर बहुत सारे दरख्त दे रखे हैं, जहाँ पर कुरान का जिक्र हुआ है, कुरान में जिक्र हुआ है, हदीस में जिक्र हुआ है, जो हमारे नबी की सुन्नत है, उन वृक्षों के बारे में बताया गया ग्लास। तो वहाँ का जो टिकट है 5 दिरहम है। दूसरा यहाँ पर है मिरेकल कैब, और वहाँ भी हम जाएंगे, बट इस पार्क का कोई टिकट नहीं है। और इसके 3 गेट हैं, हम अभी गेट नंबर 1 से घुसे हैं, इधर 2nd गेट है, इधर 3rd गेट है, तो 3 गेट हैं इसके। इसका आप पार्क का व्यू देख सकते हो, बहुत ही प्यारा, ये देखिए, मतलब फैमिली के हिसाब से ना काफ़ी अच्छा बनाया गया है, और बहुत ही शानदार लग रहा है। तो अभी जब हम जा रहे हैं ना, पहले अट्रैक्शन में जा रहे हैं, जैसे ग्लास हाउस बोला जाता है, यानी पूरा शीशे से बना हुआ है, और उसी के अंदर जो है बहुत सारे दरख्त हैं, वहीं चल रहा है अभी हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो अनियन, यहाँ पर जो है पेड़ों के नाम, वृक्ष के नाम दे रखे हैं पूरे इधर से, ये देखिए, और यहाँ पर वृक्ष भी लगाए गए हैं। और यहाँ से देखो ग्लास हाउस के लिए इधर रास्ता है, और मिरेकल कैब के लिए ये वाला रास्ता जा रहा है, वो भी हम जाएंगे, बट पहले हम जो है आगे जा रहे हैं
ग्लास हाउस की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे ये जो इन्होंने वृक्ष बना रखा ना, आर्टिफिशियल बना रखा है सोलर ट्री, आपको बिल्कुल रियल लगेगा, बट ये ना पार्क के बीच में बना रखा है, पूरा आर्टिफिशियल है। पत्ते बिल्कुल ऐसा लग रहे होंगे जैसे आपको बिल्कुल ओरिजिनल है। ये देखिए बीच में सोलर है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और बिल्कुल ये आर्टिफिशियल है। इसका नाम है सोलर ट्री। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा लग रहा है, पानी चल रहा है, फैमिली आ रही है, मतलब जस्ट फील लाइक जैसे मैं इंडिया में घूम रहा हूँ ऐसा लग रहा है। तो जगह जगह पर वृक्ष बना रखे इन्होंने, ये देखो आर्टिफिशियल है, ये भी उधर भी आर्टिफिशियल है, और बीच में तो सही ओरिजिनल है, कोई कह ही नहीं सकता बिल्कुल भी कि ये सब नकली पेड़ है। बीच बीच में देखो ये इधर। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि दुबई वाकई में टेक्नोलॉजी के मामले में ना बहुत आगे है, और ये जो पेड़ लगा रखे इन्होंने ना ये सोलर वाले, इस पर मेरे हिसाब से पूरे पार्क में जो लाइटिंग वगैरह, जो पानी का स्रोत है लाइट के द्वारा, वो आई थिंक इस सोलर से ही पूरा होता है। तो सामने जो है वो ग्लास बिल्डिंग आ गई है जिसके अंदर हम जाने वाले हैं, सामने देख सकते हो। तो ये बिल्डिंग है और इसी के अंदर जो है हम चलने वाले हैं। तो भाई शीशा ग्लास में जाने के लिए ना आपके पास कार्ड होना चाहिए। मेरे पास कार्ड नहीं था, मेट्रो कार्ड है वो भी चलेगा, 5 दिरहम कटते हैं, बट ये कार्ड मैंने बनवाया है तो ये 25 दिरहम का बना है, और इसके 6 साल की वैलिडिटी होती है तो काम आएगा। तो अभी हम इस कार्ड से अंदर जा रहे हैं, और अगर आपके पास मेट्रो कार्ड है तो 5 दिरहम लगेंगे, यानी 5 दिरहम का टिकट है। चलो अंदर चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम अंदर आ चुके हैं, और यहाँ से देखिए इस पर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ द ग्लास हाउस प्लांट्स मेंशन इन ऑल कुरान द सुन्ना, यानी कुरान में जो जिक्र हुआ है और जो हमारे नबी की सुन्नत है यानी सुन्ना, वो इस यहाँ पर आप पूरे आप दरख्त देखने वाले हो, 1 से लेकर 25 तक हैं। जो मेन है वो आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे ये देखो आप जैतून का हो गया, और मैं एक चीज़ बताऊँगा अभी आपको, पहले दिखाना शुरू करता हूँ आपको। ये तो आप जैतून का देख रहे हैं, ये देखिए, बट अभी जैतून लगा हुआ नहीं है इसमें क्योंकि ये सीजन नहीं होगा आई थिंक ये हिसाब से। एक चीज़ आना चाहता हूँ कि मेरी ना इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, इसलिए मैं पेड़ के नीचे ना इंग्लिश के नीचे लिख दूंगा हिंदी में, आप वहाँ से पढ़ लेना, मेरी मजाक को सुनाना। और ये जो पार्क है ना तुम्हारे की कुरानिक पार्क, बहुत शानदार जगह है। चलो मैं आप दिखाता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हो जैतून का पेड़, ओलिव ट्री आर मेनली फाउंड इन, ये देखिए वार्म टेम्परेचर, यहाँ से आप पढ़ सकते हो, और ये आप देख लीजिए बहुत सारे पेड़ हैं, यहाँ ऊपर से भी जाकर मैं व्यू दिखाऊंगा आपको। और हर जो भी दरख्त है ना उसका नाम जरूर मेंशन कर रखा है। उसके बाद यह है पाम्स, खजूर, ये तो हमारे यहाँ भी होते हैं, ये देखिए अरब में आपको खजूर के पेड़ बहुत मिलेंगे। देखिए पाम ट्रीज आर ए सोर्स ऑफ वैक्स ऑयल फाइबर एंड शुगर डेट्स आर, इससे देखो क्या क्या सामान बनता है, ये देख लीजिए आप, वैक्स बनता है, तेल है, फाइबर, शुगर, और देखिए, और आपको पता है खजूर जो है जब रमज़ान होते हैं तो सबसे ज़्यादा खजूर जो सुन्नत है वह खजूर से ही जो है अफ्तारी होती है। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये है ककम्बर, और इसकी ये आप बेल देख सकते हो, ये देखिए, और जिसका जिक्र है वो भी बताया गया है, देखिए ककम्बर मेंशन इन अल कुरान एंड अल सुन्ना, ये देखिए, और ये देखिए इसकी बेल आप देख सकते हो। तो लिटरली इन्होंने जितने भी पौधे और मेंशन किया गया है ना कुरान में उसमें दिखाया गया है। ये आप देखोगे लौकी की बेल है, क्योंकि लौकी तो हमारे यहाँ बहुत लगती है। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी फेवरेट डिश की अगर बात की जाए ना तो वो लौकी है, पम्पकिन, ये देखिए कुरान में मेंशन है, देखिए ये लौकी की आप बेल देख सकते हो, और देखो यहाँ से ना हवा आ रही है, यानी टेम्परेचर को मेनटेन करने के लिए हवा है। वाटरमेलन तरबूज, ये मेंशन है, ये देखिए तरबूज की जो होती है वेल होती है, क्योंकि तरबूज और ये ना हमारे खेतों में लगी हुई थी। आगे और दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, सैफ्रॉन, ये देखिए मेंशन है, और ये इसके बेनिफिट क्या है यहाँ से आप देख सकते हो, ये देखिए। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये देखिए ये दाल है मेरे हिसाब से, ये देखिए, ये देख लीजिए। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसको ना बड़ी अच्छी तरीके से इन लोगों ने मेंटेन कर रखा है, और यहाँ पर आप आओगे ना तो एक ऐसा लगता है जैसे नेचुरल दुनिया में आ गए। सबसे बड़ी बात क्या है कि रेत वाली जगह पर इस पार्क को मनाना और इसको मेंटेन करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप देखोगे जिंजर, अदरक, ये देखिए मेंशन इन कुरान, ये देखिए ये अदरक है,
जो आप देख सकते हो, और भी बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें हैं। ये देखो, ये आप देख सकते हो, ये देख लीजिए पूरी खेती। उसके बाद अनियन, प्याज, ये देखिए। उसके बाद यहाँ से आप देखिए, ये देखिए, और उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए वीट यानी गेहूँ। तो अभी मैंने नीचे का काफ़ी दिखा दिया, अभी ये जो ऑप्शन आ गया ये अंगूर का भी है इधर, बट मैं इधर दिखा देता हूँ आपको। ये आ गया सरसों, ये देखिए हमारे यहाँ सरसों का साग बहुत खाया जाता है और इसका तेल भी होता है और कुरान में इसका जिक्र है, ये देखिए। उसके बाद बिटर एप्पल, ये देख लीजिए, और ये तो आपको पता ही है मक्का। अब ये जो आप देख रहे हो ना, जितने फसल देख रहे हैं इसमें क्या होता है कि हर फसल का अपना एक टाइम होता है, लेकिन यहाँ एट ए टाइम आप एक ही टाइम में यहाँ सारी की सारी फसलें देख रहे हो और ओरिजिनल देख रहे हो। तो ये इनकी सबसे बड़ी जो है टेक्नोलॉजी है, किस तरीके से इसको ये मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि कोई फसल ऐसी होती है जो सर्दी में होती है, कोई फसल ऐसी होती है जो गर्मी में होती है, कोई होती है जो बरसात में होती है, लेकिन एक ही टाइम पर आप यहाँ सारी की सारी फसल देख रहे हो। ये इनकी जो है एक एडवांस टेक्नोलॉजी के बेस पे आप कह सकते हो। ये अंगूर, ये देखिए, मेरी बहन ने हमारे अंगूर की बेल लगाई थी तो उस पर जो आते ना ब्लैक ग्रेप्स आते थे, काले अंगूर, ये देखिए कुरान में जिक्र है इसका, ये देखिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जो हम जा रहे हैं ना, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से मैं इसका एक तरीके से प्रॉपर आपको व्यू दिखा सकता हूँ। एलोवेरा, ये मेंशन है, ये देखिए। तो अभी हम यहाँ से आए थे, अभी मैं ऊपर से एक और व्यू दिखा देता हूँ इसका। अंदर से ये इस तरह बना हुआ है, काफ़ी जो है अच्छा लगता है। तो चलो अभी हम जो है ऊपर चल रहे हैं, ये इसका ऊपर जाने का रास्ता है, काफ़ी अच्छा। और एक चीज़ मैं बताऊँ को, थोड़ा ना ये पार्क ऐसा लग रहा है कि मतलब मन लग रहा है, बच्चे भी आ सकते हैं, पूरी फैमिली के साथ आप आएँ, मतलब आपको फील होगा कि हम एक अच्छी जगह आए हुए हैं। यहाँ से ये देखिए, और काफ़ी ऊपर तक बना रखा है इन्होंने, और ये जो पूरी बिल्डिंग है ना टोटल ग्लास से बनी हुई है, इसलिए रोशनी उसनी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं यहाँ के सबसे ऊंचे वाले पोर्शन पर आ चुका हूँ, और यहाँ से अभी देखते हैं नीचे का व्यू। और ये जो है, और देखो पता ये क्या है, देखो ये जो टिके हुए हैं ना पिलर पे टिके हुए हैं, पिलर का इन्होंने बिल्कुल ऐसा कर रखा है कि जैसे आपको लगेगा ये लकड़ी है, लेकिन रियलिटी ये है ये लकड़ी नहीं है, ये बनाया हुआ जो भी बनाया हुआ सीमेंट से उसको डेकोरेट किया है। ये देखिए, ये देखिए आर्टिफिशियल पेड़ और बिल्कुल ऐसा लग रहा हुआ रियल। ये देखो, ओ भाई, ओ ये देखिए। चलो अभी हम नीचे चल रहे हैं और दूसरे पोर्शन पर चल रहे हैं। तो भाई मैं बाहर आ गया हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ दूसरे अट्रैक्शन दिखाने के लिए आपको, जो है मिरेकल केव। वहाँ पर क्या है कि एग्जैक्टली जो कुरान में जो वाक्य हैं, जैसे आपको पता होगा जो असहाबे कहफ उसका दिखा रखा है उन्होंने, साथ ही साथ एक तरीके से आपको पता होगा जो और भी वाक्य हुए हैं वो सारे वहाँ पर उन्होंने दिखा रखे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम वाले जो वाक्य था वो भी दिखा रखा है उन्होंने वहाँ पर। तो मिरेकल केव में ये है, और उससे पहले भी एक अट्रैक्शन है, वो वाला अट्रैक्शन जो मैंने आपको बताया होगा उस ब्लॉग में जब मैं इजिप्ट गया था, कि मूसा अलैहिस्सलाम की जो उन्होंने जब लाठी मारी थी तो जो समुंदर था वो दो हिस्सों में यानी बीच से रास्ता निकल गया था। तो इन्होंने एक आर्टिफिशियल तैयार किया है उसको, जो कैब से पहले दिखाया गया है। तो ये तीन अट्रैक्शन हो गए, चलो चलते हैं। पार्क बहुत बड़ा है, ये देखो फूल, वाह यार, ये देखिए। और सबसे बड़ी बात यही है कि मतलब रेत पर ये सारी चीज़ें उगा देना, वाकई में यार गजब। मैं अभी नेक्स्ट लोकेशन पर आ गया हूँ, जिसे बोला जाता है मूसा लेक, और ये वो वाकया दर्शाया गया है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम जब निकले थे तो जब लाठी मारी थी तो आप देखोगे जो समुद्र है उसके बीच में से रास्ता निकल गया था। तो ये आर्टिफिशियल बनाया गया है, इसके अंदर भी मैं चल के दिखाऊंगा आपको। ये देखिए दो हिस्सों में बीच में रास्ता निकल गया,
ये देखिए। तो चलो अभी अब जो है अंदर से चल रहे हैं। तो ये है समुद्र में जाने का रास्ता, यानी लेक जो आर्टिफिशियल बनाई गई है, काफ़ी अच्छी बनाई गई हुई है। चलो अंदर चलते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो, यानी इधर समुद्र, बीच में ये रास्ता, यानी जिस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी और रास्ता बन गया, वो चीज़ दिखाई गई है यहाँ। ये आर्टिफिशियल है, हम सबको पता है, बट दुबई की आप टेक्नोलॉजी देखिए। इधर समुद्र बना दिया, इधर समुद्र बना दिया, बीच में ये रास्ता बना दिया। ये देखिए भाई, यहाँ का जो व्यू है ना, बहुत अमेजिंग व्यू है, बहुत एक अलग फील आ रहा है। थोड़ा पानी को टच करता हूँ और मज़ा आएगा। वाह, पानी भी ठंडा है यार, गजब गजब यार, मतलब कितना अच्छा लग रहा है ना। मतलब एक तरीके से पुरानी पार्क में जो कुरान में जिक्र हुआ है, उन चीज़ों का उल्लेख किया गया, उनको दिखाया गया है। यहाँ पर जो दरख्त है, पेड़ हैं, वो तो ओरिजिनली दिखाए गए हैं, ये आप देख सकते हो। और इसी के सामने जो है वो है मिरेकल केव, जहाँ हम जाने वाले हैं, जो शायद आपको दिखाई दे रही होगी, भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, आपको लग रहा होगा ये रियल पहाड़ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो मिरेकल केव है ये बनाई गई है, वहीं चल रहे हैं अभी हम। यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि ये पानी जो है, देखो यहाँ से पानी वापस जा रहा है, देखो पानी वापस जा रहा है और ये पानी वापस से आ रहा है, तो पानी की एक तरीके से ज़्यादा बर्बादी नहीं हो रही है। ये देखिए, ये देखिए, ये पानी है वापस जा रहा है, रिस्क है, पानी वापस आ रहा है। तो ये कितने दिमाग से इसको जो है बनाया गया है, नहीं तो इतना पानी खर्च होगा तो फिर तो बर्बाद हो जाएगा मामला। चलो अभी आगे चल रहे हैं हम। तो ये है मूसा लेक, और यहाँ से आने के बाद जस्ट सामने जो देखेंगे ना, वो है तुम्हारे की मिरेकल कैब। और यहाँ से ना आवाज़ आ रही कुरान की, क्योंकि ये जैसे ये है ना, यहाँ से आवाज़ आती है। तो अभी हम वहीं चल रहे हैं। देखिए माशाल्लाह कुरान की आवाज़ आ रही है, और ये आपको रियल लग रही होगी कैब, बट ये जो है मिरेकल कैब है, जो एक आर्टिफिशियल बनाई गई है। ये देखिए, और इसी के अंदर जो है हम जाने वाले हैं। तो आप देख सकते हो ये है मिरेकल गुफा कैब, ये भी रास्ता है, बट सिक्योरिटी गार्ड उधर से है, तो पता करना पड़ेगा रास्ता किधर से है इसका। तो देखो ये है गेट नंबर 2 कुरानिक पार्क का, आप यहाँ से भी आ सकते हो। यहाँ से आओगे तो सीधे सीधे जो है आप मिरेकल कैब के अंदर चले जाओगे। यहाँ से देखते हैं कि टिकट कितने रुपए का हमारा। तो भाई ये देख सकते हो, ये है मिरेकल कैब जिसके अंदर हम जाने वाले हैं। अब इसके अंदर कुरान में जो वाक्य हुए हैं मेंशन किया गया है, भाई यहाँ पर देखो प्रॉफिट यूनुस, यूनुस अलैहिस्सलाम उनके बारे में, और यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया है, और यहाँ पर जो ओज़ेर उनके बारे में बताया गया है, जो हमारे नबी हैं, जो हमारे नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पर तो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया है, और यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में जो आग वाला मसला बताया गया है, और यहाँ पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में बताया गया है, जो चांद के जो टुकड़े हो गए थे, ये सारे मेंशन किए गए हैं। और यहाँ से देखिए, और अभी जो है हम अंदर चल रहे हैं। भाई अंदर चलते हुए तो ऐसा फील हो रहा है जैसे वाकई में रियल वाली हम कैब के अंदर जा रहे हैं। आई थिंक वही वाला कार्ड काम कर जाएगा यहाँ भी। तो भाई अंदर आ गए हम, और यहाँ भी हमारे 5 धर्म कटे इसमें से। तो सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन होगा। भाई यहाँ पर ना इंट्रोडक्शन हुआ था, यहाँ पर जो है हमारे नबी है यूनुस अलैहिस्सलाम उनके बारे में वाक्य बताया जाएगा। तो ये था यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक्य, कश्ती वाला वाक्य। अब जो नेक्स्ट है ना, वो है ईसा अलैहिस्सलाम वाला वाक्य। यहाँ में बैठना है, काफी अच्छी मुझे जगह लगी है। तो ये वाली जो स्टोरी है ना, ये वाली नबी की, यहाँ पर काम नहीं कर रही, यानी पिक्चर काम नहीं कर रही, तो इसको स्किप कर रहे हैं और आगे जो जा रहे हैं, हम जा रहे हैं नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट स्टोरी जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में है, जो आपको था फ़िरौन के लश्कर जो डूब गया था, ये मैंने आपको बताया भी था। ये देखिए गुफा, देखिए इनकी। So that they were
ये वाकया था मूसा अलैहिस्सलाम का, और ये आगे है यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, जो ये देखिए उन्हें आग में ढकेलने की कोशिश की गई थी। जो लास्ट है ना, ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में बताया गया है। चांद के दो टुकड़े हो गए थे, तो ये लास्ट है। तो भाई फाइनली हम आ गए हैं यहाँ पर। जो है 7 पॉइंट के बारे में बताया गया है जो कुरान में मेंशन है, जो हमारे नबी हैं उनके बारे में बताया गया है। तो ओवरऑल मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और कुरानिक पार्क मैंने आपको बता दिया, और 5 दिनार मेरे यहाँ कटे, 5 दिनार वहाँ कटे। अगर आपके पास मेट्रो कार्ड है, और मेट्रो कार्ड नहीं है तो आपको जो है 25 दिरहम का आपको कार्ड लेना होता है। और ये यहाँ का खर्चा, बाकी तो पार्क का कोई भी चार्ज नहीं है, पार्क में घूम सकते हो। तो दोस्तों अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। और दुबई की 2nd सीरीज़ चल रही है, इसको ज़रूर देखें, प्यार दें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।